हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और मैं काम से फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, घर के सारे काम हो गए हैं और अब मैं फ्री होके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। मैं तीज पे एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तीज मेकअप लुक पे मैं बहुत लाइट वेट सा एक लुक क्रिएट करूँगी, लाइट सा मेकअप और लाइट सी साड़ी वेयर करूँगी। आप लोग तीज पे लहंगा भी वेयर कर सकते हैं, पर मैं एक लाइट वेट सी साड़ी वेयर करके आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि तीज का व्रत होता है जिसमें हम निर्जला व्रत रहते हैं और फिर हमारा एकदम थक जाते हैं हम, तो मन नहीं होता तैयार होने का। बट साल भर का फेस्टिवल हो तो तैयार तो होना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैं ऐसा क्विक सा मेकअप लुक दिखाऊंगी जो कि जिसको नहीं भी आता है वो भी कर लेगा। और ये है मेरी साड़ी, ये मरून कलर की साड़ी है, लाइट वेट सी बहुत अच्छी साड़ी है। तो मैं आज ये साड़ी पहनूंगी और इस साड़ी के साथ जो ये ब्लाउज़ है, ये एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, जो ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा जाता है, इसके साथ ही आया था साड़ी के साथ ही। तो बस मैं आप लोगों को ये पहले साड़ी पहन लूँगी, फिर मेकअप लुक करके दिखाऊँगी। और मेकअप बहुत ही क्विक सा होगा, जो कि मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता मेकअप वगैरह करना, ज़्यादा स्टेप्स नहीं आते वो भी कर लेगा। मैं ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाऊँगी। ये मैं साड़ी पहन के आ गई हूँ और अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैंने सीरम ले लिया है मैंने। आपके पास कोई भी फेस सीरम हो वो लगा लीजिए, जिससे क्या होगा मेकअप कोई पैची सा नहीं दिखता है। इसीलिए मैंने सीरम लगा लिया। और मॉइस्चराइज़र तो आप मेकअप करने के पहले ज़रूर ही लगा लो। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास है बीबी क्रीम, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, तो इसमें फाउंडेशन वगैरह मिक्स होता है, तो इसीलिए मैं ये लगा ले रही हूँ। बहुत लाइट वेट सा मेकअप कर रही हूँ, इस वजह से मैं सिर्फ यही यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन सब कुछ स्टेप बाई स्टेप यूज़ करते, लेकिन मेरा क्विक सा मेकअप है कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सिर्फ एक क्रीम से ही कर ले और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इसीलिए बेसिक स्टेप्स मैं बता रही हूँ। तो बस इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, पर मैंने हाथ से यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया है ब्लेंड, तो बस थोड़ी देर में ब्लेंड हो जाएगा। पहले तो फेस वाइट वाइट सा लगता है, ये कोई भी क्रीम हम लगा लेते हैं फाउंडेशन वगैरह तो, पर बाद में वो सेट हो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे हम ब्लेंड करते हैं वैसे सेट हो जाएगा। और ये ब्यूटी ब्लेंडर से तो बहुत अच्छे से सेट होता है, बट क्विक सा मुझे दिखाना था, मैंने कहा चलो हाथ से ही करके दिखा देती हूँ, कभी अगर ब्यूटी ब्लेंडर ना रहे नहीं मिले तो भी काम चल जाए। तो इसीलिए हाथों से भी करना आना चाहिए। और बस करके उसके बाद मैं ये लूज़ पाउडर मैंने हाथ में लिया है और ये मैंने लूज़ पाउडर को मैं सेट करूँगी फेस पे। ये मेकअप जो है सेट करते हैं, मैं तो लूज़ पाउडर ही सेट करती हूँ। कॉम्पैक्ट रखा है बट मैं कॉम्पैक्ट का भी यूज़ ही नहीं करती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है कि नहीं समझ आता है मुझे तो। लूज़ पाउडर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो बस मैं लूज़ पाउडर को ब्रश से ऐसे कर लेती हूँ, कभी कभी हाथों से ऐसे टैप करके फिर ब्रश से कर लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकल जाते हैं। काफ़ी अच्छा सा आ जाता है और कवरेज भी अच्छा दे देता है कि आपका मेकअप जो है वो सेट हो जाता है ब्रश से। तो बस मैंने ब्रश से सेट कर लिया, बहुत हल्का सा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और हेयर स्टाइल के लिए तीज का है तो मैंने बीच की मांग निकाल ली है। तो बीच की मांग निकालते हैं पूरा सिंदूर भर के, तो ऐसे फेस्टिवल पे बहुत अच्छा लगता है कि करना चाहिए। रोज़ तो हम ऐसे करते नहीं, कभी कभी तो करना चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स पे। और ये मैंने बीच की मांग निकाल के साइड से थोड़े से ऐसे बाल लेके उसको मैंने पिनअप कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपके बाल आगे भी नहीं आएंगे और आप फ्री रहोगे, फ्री होके आराम से आप पूजा वगैरह कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये हेयर स्टाइल ऐसा बनाया है, ये आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये आपको अभी ऐसा लग रहा है बट बहुत अच्छा लगता है, ये बीच की मांग निकाल के और इसमें सिंदूर वगैरह भर के तो लगता है ना कि हाँ फेस्टिवल है, हम तैयार हो रहे हैं, तो अच्छा सा वो फील आता है फेस्टिवल वाला, वो होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बहुत लाइट सा ये मैंने वो लगाया है आई शेडो लगाया है। और अब मैं लगाने जा रही हूँ लाइनर, अब मैं लगाऊंगी लाइनर। पहले मुझे लाइनर लगाना नहीं आता था, पर अब तो मैं लगाती हूँ तो पहले तो किसी को भी नहीं आता है, पर धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। तो ये मैंने लाइनर लगाया, लाइनर के बाद अब मैं लगाऊंगी ये, मैं लगाने जा रही हूँ हाईलाइटर। हाईलाइटर तो मेरा फेवरेट है, हाईलाइटर तो भैया होना ही चाहिए फेस पे, हाईलाइटर नहीं रहेगा तो फिर
अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा तो हाईलाइट होना ही चाहिए फेस। और फिर यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया, डार्क सी लिपस्टिक। आप लाइट चाहो लाइट लगा लो, डार्क चाहो डार्क लगा लो, रेड चाहो तो रेड भी लगा लो। फेस्टिवल पे तो रेड भी बहुत अच्छा लगता है। अब बिंदी मैं सोच रही हूँ कौन सी लगाऊँ, छोटी की बड़ी, पर थोड़ी सी बड़ी ही लगा लेती हूँ, बड़ी बिंदी ज़्यादा अच्छी लगेगी। फेस्टिवल है तो लगा लेते हैं, रोज़ तो वैसे भी कहाँ तैयार होते हैं और कहाँ हम मेकअप करते हैं, तो बस कभी एक दिन तैयार होते हैं तो अच्छे से होना चाहिए। और ये लिपस्टिक आप देख रहे हैं किस लिए, ये ब्लश का काम करेगा। तो जिसके पास ब्लश वगैरह नहीं है, आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हो कैसे, बट आप चिक्स पे ना ब्लश जो है वो ज़रूर अप्लाई करो, बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़े से पिंक शेड में, बेबी पिंक सा मेरे पास ये लिपस्टिक था, तो बस भाई थोड़ा सा आपको बस पिंच आप लेना है और उसी को बस उसी को ब्रश से ब्लेंड कर लो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कभी भी मेकअप करती हूँ ज़रूर करती हूँ। और फिर ये मैंने ले लिया चूड़ा, अब मैं सोच रही हूँ कि चूड़ा ही पहन लेती हूँ, क्योंकि इस साड़ी के मैचिंग की मेरे पास चूड़ी नहीं है, तो मैं चूड़ा ही पहन के दिखा देती हूँ। आप लोग भी चाहो चूड़ा पहन लो, नहीं तो फिर आपके पास साड़ी की मैचिंग की चूड़ी बना के चूड़ी पहन लो, बट चूड़ा अच्छा लगता है। फेस्टिवल है तीज का तो तैयार होते हैं, तो भाई अच्छे से तैयार हो जाते हैं चूड़ा वगैरह पहन के। तो बस मैं यहाँ पे चूड़ा पहन रही हूँ, साड़ी तो पहन ही लिया, मेकअप भी थोड़ा सा लाइट सा कर लिया है, और बस लिपस्टिक वगैरह भी हो गया। अब क्या है, ये मंगलसूत्र पहनना है, तो मैं मंगलसूत्र पहन लूँगी, क्योंकि इसके बिना तो भैया काम नहीं चलने वाला है। ये तो पहनना ही है हमें, तो बस मंगलसूत्र पहन लिया। और अब क्या